झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया और वहां कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाई पाबंदियों को नजरअंदाज कर एक होटल में फेयरवेल पार्टी दी गई, जिसमें महामारी के खतरे से बेपरवाह कई छात्र तेज संगीत पर डांस करते दिखे। जश्न में डूबे इन छात्रों के बीच न तो 2 गज की जरूरी दूरी दिखी और न ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया। सेकंड का ये वायरल वीडियो वहां के एक होटल का बताया जा रहा है, जबकि इस तरह के आयोजनों पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। उधर पड़ोसी राज्य बिहार के जमुई से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। वहां नाइट कर्फ्यू के बावजूद श्राद्ध के एक कार्यक्रम में डांस करने वाले कलाकारों को बुलाया गया, जिनको डांस करता देख मंच के नीचे बैठे लोग महामारी के खतरे को ही भुला बैठे। ये वीडियो वहां के जवात्री गांव का बताया जा रहा है, जहां 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद इस श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना नियमों का मजाक बनता दिखा। सौभाग्य की बात यह कि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और दिन में भी वहां शादी ब्याह श्राद्ध जैसे कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को बुलाने की मनाही है, लेकिन जब बड़े बुजुर्ग ही सरकारी दिशा निर्देश और अपनी भलाई की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये उम्मीद करना ही बेमानी है कि कोई 11वीं या 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को फेयरवेल पार्टी करने से रोकेगा। वरना धनबाद के होटल में पार्टी करने वाले स्कूली छात्राओं से उनके घर वालों ने जरूर पूछा होता कि जब स्कूल बंद है तो सज धज कर कहाँ जा रहे हैं।